समंदर। और ये रहे हम लोग। और डॉगी साहब कैसे सो रहे हो? आराम से सो रहा है भाई। हाँ बेटा यूपी से। अच्छा अच्छा ब्लॉग देखते हो आप? देहरादून दिल्ली काजगंज। ओ ब्रो साइड में साइड में कश्यप। चलो चलते निशान भाई फिर। ठीक है गाइस देख सकते हो मंदिर यहाँ से थोड़ी ही दूर रह गया, 150 मीटर दूर है। और इन भाई का अभी सोडा पी रहा है, अभी लेमन सोडा। तो भाई अभी एक विशाल का रह गया ये, तो ये भाई लोग पी रहे हैं अपने। भाई चलते हैं अब, सबको रेडी है यहाँ से। और बाइक अपनी दोनों ये खड़ी हैं, देख सकते हो विशाल सामने खड़ा है अपना। ये रहा माता रानी का मंदिर, गिरजा देवी मंदिर। तो भाई सामने लिखा है देखो गिरजा देवी। और भाई ये चेक करो यार, तो भाई ये रही नदी। अब इस नदी में हमें नहाना है। जो भाई कितने मस्ती कर रहा है भाई लोग अपने, हम भी नहाते हैं यार। नहाने के बाद ही दर्शन करते हैं माता रानी के। भाई देखो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है गाइस, मतलब बहुत आनंद सा आ रहा है, एकदम अच्छा सा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है यहाँ पर। ये रहा माता रानी का मंदिर और ये रहे हम लोग। दर्शन करेंगे माता रानी के, फिर जब भी मिलते हैं आपको दिखाते भी हैं। ठीक है भाई चलें विशाल। चलो भाई चलो, अब चलते हैं ऊपर दर्शन करने। भाई सबको रेडी है, प्रसाद भी ले लिया हमने, अब चलते हैं यार दर्शन करने। वो मोच अभी तक ठीक नहीं हुई है यार। और डॉगी साहब कैसे सो रहे हो? आराम से सो रहा है भाई। ये रहा मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, और फैन भी लगे हुए हैं यार, धूप में अगर ज्यादा भीड़ भी हो। देखो यार जल्दी है। जय माता दी, जय माता दी। चलो यार क्योंकि काफी ऊपर है यार, सीढ़ी है भाई। ये देखो ट्रैक तो हर जगह करना। सुबह ये रहा माता रानी का मंदिर, दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं आपसे सीधे। यहाँ से व्यू देखो, ये भैरव बाबा का मंदिर देख सकते हो। ये है भैरव बाबा और एक वहाँ मंदिर है, दोनों एक ही मंदिर है, वो भी भैरव बाबा का मंदिर है और ये भी। चलते हैं दर्शन करते हैं भैरव बाबा के। भैरव बाबा हर हर महादेव। सो फाइनली गाइस यहाँ से निकलते हैं, जय माता दी। फिर नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे माता रानी के दर्शन करने, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। तो भाई बाइक भी रेडी है अपनी, विशाल भी रेडी है, और भाई चलें भाई मेरे। चलो भाई फिर जय माता दी एक बार। नो नो भाई रह तो नहीं है कुछ, ठीक है तो चलते हैं भाई मेरे। ठीक है ओके ओके ब्रो। तो भाई यहाँ का व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा, और रोड कितनी प्यारी है, बहुत ही अच्छा। भाई देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
सो गाइस हाथी मेरा साथी आने वाला है। हाथी मेरा साथी देखो कैसे भाई कर रहा है। हाथी और ये हाथी कहाँ है? ऊंट, ओए ऊंट, ये तो देखो स्टॉप खड़ा भाई, मतलब बोल ही नहीं रहा खट्टा किसी से। अरे घोड़ भी है, घोड़ सवारी। सो गाइस छोटे बच्चों ने रोक लिया है। हाँ ब्रो, हाँ बेटा यूपी से। अच्छा अच्छा ब्लॉग देखते हो आप? अच्छा अच्छा वीडियो कैसी थी? अच्छा अच्छा भाई ये बंदा रामनगर का है, इन्होंने हमारी वीडियो देखी थी। और आपने देखी थी? अच्छा 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 ठीक है चलें। हाँ अच्छा चलो बेटे छोटू चलते हैं फिर, ठीक है चलो बस। अच्छा है कश्यप ब्लॉग, ठीक है ओके। घर जा रहे हैं अब, नैनीताल से आ रहे थे तो भाई बच्चे मिल गए थे, कुछ बोल रहे थे कि आपका ब्लॉग देखा था हमने। भाई रामनगर तक आपके भाई का ब्लॉग देखते हैं भाई, मतलब सोचा नहीं था यार, ये तो स्टार्ट ही किया है। कोई नहीं यार, अच्छा लग रहा है सुनकर। देहरादून दिल्ली कासगंज, ओ ब्रो साइड में साइड में। कश्यप ब्लॉग, कश्यप ब्लॉग ठीक है ओके। कुछ बच्चे और मिल गए यार, बच्चे ज़्यादा रोक रहे हैं आपके भाई के लिए। जो भाई 20 साल की बाइक में टूट ठीक हो रहा है, ये दिख रहा है इसमें से ये निकल गया है, ये डलेगा यार, पुशअप करना पड़ेगा फिर इसको जब ही ठीक होगा। तो वही यहाँ से अराउंड मुरादाबाद 90 किलोमीटर दूर है बस। हाँ ब्रो तो गाइस यहाँ से रह गया मुरादाबाद 25 किलोमीटर। अब बस सिंगल लेन ही है और कोई हाईवे नहीं है, फिर भी आराम आराम दम चल रहे हैं मस्त होकर अपने। बिल्कुल बिल्कुल सही है यार, एकदम मस्त रास्ता है, एकदम अच्छा। तो गाइस मुरादाबाद अराउंड यहाँ से रह गया है 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर हमें और कवर करना है क्योंकि फिर बधाइयों के लिए मैं मुरादाबाद से सीधे चंदौती होते हुए निकल जाऊँगा और विशाल NH पकड़ लेगा बरेली वाला, लखनऊ वाला, फरीदपुर निकल जाएगा टोल प्लाजा होते हुए। देखा होगा विशाल आगे चल रहा है और मैं जस्ट उसके पीछे चल रहा हूँ। धूप भी कम हो गई भाई, शाम का टाइम हो चुका है। अबे बे 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 सो गाइस हम आ चुके काशीपुर, ये है काशीपुर। अब हमें जाना है यहाँ से मुरादाबाद काशीपुर। फर्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि सो गाइस एक और प्यारी सी रोड आ चुकी है हमारे बीच और मज़ेदार है भाई, कितनी अच्छी ड्राइव हो रही है इस पर यार। और साथ में हमारे चल रही है रेल की पटरी, वो सॉरी हाँ रेल की पटरी के बराबर में हम चल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं हमारे, जो भी समझ लो यार, बस चल ही रहे हैं। इतने से आ रही है ट्रक, ये लग रहा है मैं साउथ में आ गया यार। पेड़ देख रहा हूँ कितने घने घने हैं साइडों से, पेड़ पेड़। अब एकदम मस्त रोड लग रही है यार, मानो या नहीं मानो यार, कमेंट करना इसके लिए भी आप रोड कैसी लगी यार, कमेंट तो कर दिया करो गाइस यार, कमेंट तो कोई करता ही नहीं है आपके लिए यार। इतनी दूर घूमने आए हम लोग दिखाने के लिए यार कंटेंट, और
कमेंट जरूर किया करो यार प्लीज। सो गाइस कोई लद्दाख थोड़ी यहाँ है, ये खड्डे भाई खड्डे, कितने खड्डे, और ये देखो ट्रक, इतने गहरे गहरे खड्डे हैं यार, अबे यार विशाल उल्टी साइड मत जा यार। खड्डे बहुत है भाई, देखो मतलब पूरी रोड ही खराब है, ओए 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 भाई क्या ही खड्डे यार, रोड बहुत अच्छी तैयारी है भाई मेरे, क्या हुआ, अरे इस रोड का निर्माण नहीं हुआ क्या, हमें नहीं पता था लद्दाख भी मिल जाएगा यहाँ पे, क्या ही सीन है मजे भाई, खाना पीना जितना भी खाया था सब पची जाएगा लगता है, ओए ओए गीली गीली अप्पा, क्या ही रोड बना रखी है भाई। गाइस कमेंट करो इस रोड के लिए अच्छी है बुरी है, मेरी नज़र में तो बहुत ही बुरी है, कुछ अच्छा भी मिलेगा और कुछ बुरा भी मिलेगा। सो गाइस फाइनली मुरादाबाद, सॉरी लद्दाख, ऑफ रोड करते हुए मुरादाबाद में एंटर कर चुके भाई, आ गए मुरादाबाद, पता नहीं कैसा रोड लेकर आया मुरादाबाद, सिटी में तो अच्छे हैं यार रोड, बट यार यहाँ कैसे हैं, अय्यर और जेठालाल आगे चल रहे हैं भाई, अय्यर भाई और जेठालाल, बबीता देख रहे हो, अय्यर भाई को इसलिए घुमाने लेके आए थे ये जेठालाल, ताकि कि बबीता को पता नहीं लग पाए इन दोनों का चक्कर चल रहा है, अय्यर और जेठालाल चक्कर चल रहा है भैया, अय्यर भाई को चीटिया बनाया जा रहा है। आपको बता दें मैं उस साइड जाऊंगा निकल कर, वहाँ से चंदोसी होते हुए बदायूं जाऊंगा, और विशाल जाएगा यहाँ से बरेली सीधे, बरेली होते हुए सीधे फरीदपुर, तो भाई निकलने का समय हो चुका है भाई, काफ़ी टाइम हो चुका, और ये रहा विशाल भाई, तो विशाल भाई चलते हैं भाई मेरे, ठीक है, और भाई मेरे फिर मिलते हैं अच्छी नई राइड के साथ भाई, बहुत अच्छी राइड हुई, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए, ठीक है मेरे भाई, आराम से जाना भाई मेरे, बस फ़ोन कर देना, ठीक है, तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो भाई विशाल को कर दिया हमने बाय बाय, वो निकल गया अब सीधे अपने फरीदपुर, बरेली फरीदपुर, और हम ही चंदोशी होते हुए सीधे ब्रिज पार कर कर निकल जाऊंगा बधाइयों की ओर। तो भाई निशांत भाई मिले हमें दादी के रेस्टोरेंट में, मैंने बताया नहीं, हमने ड्रिंक करने के लिए रुके थे, थोड़ा चाय वगैरह पी थी, और अपने भाई लोग, ठीक है भाई, आप भी ब्लॉग में आओ, ये जब ब्लॉग पड़ेगा तो, बाकी सब रेडी है, ठीक है भाई, चलो भाई चलते हैं निशांत भाई। तो भाई चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो बाइक को स्टार्ट करते हैं यार, और चलो चलते हैं निशांत भाई फिर, ठीक है, बाय मेरे भाई। गाइस आपने एक चीज चेक किया, मतलब पूरा स्टाफ चला आया, दादी के रशों में जितने भी बंदे थे वो सब लोग चले आए, हम जा रहे थे तो भाई अच्छा लगता है यार, उन बंदों को भी हमसे मिलकर अच्छा लगा, और हमें भी उन बंदों से मिलकर अच्छा लगा, बस तो भाई यहीं पर अपनी राय खत्म होती है, तो कैसी लगी यार कमेंट में जरूर बताना, इस राइड की जितनी भी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो,
तो ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल चुके। तो भाई फिर मिलते हैं अच्छी नई सीरीज एंड नई राइड के साथ। अभी के लिए गाइस बाय बाय, फाइनली बधाई हो आ चुके, बाय बाय गाइस।